आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सनावत पुलिस की जुए सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो स्थानों पर दबिश देकर 15 लोगों को किया गिरफ्तार। एसडीओपी के निर्देशन में संयुक्त अभियान में हुई कार्रवाई, 57,000 नगद सहित 13 मोबाइल और सट्टा सामग्री जब्त। सनावत पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन ग्रामीण राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक तिलक सिंह द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मनीष खत्री के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र सट्टा जुआ सहित अन्य अपराध और उससे जुड़े हुए कार्यों को रोकने के लिए निर्देश मिले। उन्हीं निर्देशों के परिपालन में पुलिस द्वारा लगातार अपराधों में जुड़े अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। वहीं पुलिस को पिछले कई दिनों से नगर में दो स्थानों पर अवैध रूप से सट्टा रैकेट चलाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां कार्रवाई कर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 57,000 रुपए नगद सहित 13 मोबाइल और सट्टा सामग्री जब्त की। TIMR रोमड़े ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत SDOP बड़वाहा विनोद दीक्षित के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर एक साथ दबिश दी, जहां शहर में चल रहे अवैध सट्टे के अड्डे पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने पहली कार्रवाई भील मोहल्ले में अवैध रूप से सट्टे के रैकेट पर की, जहां संचालन करने वाले हाफिज निवासी भील गली, कासिफ निवासी इस्लामपुरा, शहजाद निवासी अंबेडकर गली को मैं सट्टा डायरी और नकदी के साथ पकड़ा। इनसे सट्टा लिखने के संबंध में पूछताछ करने पर बताया ये लोग ताहिर बैग के लिए 500 रुपए मजदूरी पर सट्टा लिखते हैं तथा दिन भर सट्टे की सीलक ताहिर के पास जमा कराते हैं। सट्टा लिखवाने आए 8 लोगों को भी सट्टा पर्ची के साथ पकड़कर थाने लाए, जहां अपराध क्रमांक 523/22 सहित सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण में आरोपी ताहिर की तलाश जारी है। दूसरे मामले में 4 लोगों को पकड़ा। इसी प्रकार सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ही समय पर मिर्जा मोहल्ले में दबिश दी, जहां सट्टे का संचालन कर रहे आरिफ को पकड़ा। मौके पर आरिफ के कब्जे से सट्टा लिखने की सामग्री नकदी जब्त की गई। सट्टे के संबंध में पूछताछ में उसने बताया कि वो सनावद और ओंकारेश्वर के दो लोगों के लिए 500 रुपए लेकर सट्टे का काम करता है। रोज की मजदूरी पर उसे यहां काम के लिए लगाया गया। दिन भर की सिलक दोनों लोगों के पास रहती है। इसी जगह से सट्टा लिखवाने आए 3 अन्य व्यक्तियों को भी पकड़ा, उनके पास से सट्टा पर्ची और नकद प्राप्त किया। उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 524/22 सट्टा अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। इस मामले में 3 लोगों की तलाश जारी है। TI ने बताया इस पूरी कार्रवाई में 15 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जबकि 3 खाई वालों की तलाश जारी है। दोनों जगह से 57,000 नगद, सट्टा पर्ची, डायरी जब्त की गई। कार्रवाई SDOP दीक्षित के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक शिव प्रसाद वर्मा, सहायक उप निरीक्षक नवनीत चतुर्वेदी, सहायक उप निरीक्षक योगेश शिंदे, सहायक उप निरीक्षक रोहित छनेरा, प्रधान आरक्षक रमेश जमरे, शिवचरण कराड़े, संदीप चौहान, योगेश केशवास, नरेंद्र चंदेल, प्रकाश चौहान, नितिन बोरासी, सूर्य प्रकाश मौर्य, संदीप विश्वकर्मा, प्रकाश डांगी, राहुल गुर्जर का विशेष योगदान रहा। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। अभी पिछले कुछ दिनों से सनावत में सट्टा खिलाने के संबंध में जानकारी मिल रही थी, और इस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के सख्त निर्देश है, किसी भी थाना क्षेत्र में अवैध गति जुआ सट्टा की कहीं भी किसी भी प्रकार से संचालित नहीं होना चाहिए। यदि कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसमें कार्रवाई करने के सख्त निर्देश थे। हमारे द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे थे, अंततः कल हमें इसमें बड़ी सफलता मिली है। हमने हमारे मुखबिर तंत्र सक्रिय करके कल अलग अलग टीमों के द्वारा 2 सट्टा के अड्डों पे दबिश दी गई थी, जिसमें एक हाफिज खान के घर के पास भील मोहल्ला और दूसरा मिर्जा मोहल्ला हरीफ बेग के घर के पास, ये 2 ठिकानों पर जब दबिश दी गई तो उसमें काफ़ी संख्या में व्यक्ति जो सट्टा लगाते हुए और सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए, जिसमें एक मामले में 11 लोगों को पकड़ा है। 11 लोगों में उनके पास मोबाइल इस्तेमाल जो किए जाते थे सट्टे के लिए वो बरामद किए हैं, और नगद 45,000 करीब बरामद किए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो ये ताहिर बेग के लिए सट्टा लिखने का काम करते थे, जिसमें हमने 4 का दुरुस्त कर अधिनियम 109 के तहत इसमें FIR दर्ज की है, जिसमें ताहिर बेग अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, उसको भी उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की गई है। मिर्जा मोहल्ला वाले में 4 लोगों को मौके से हिरासत में लिया, इनके पास से 2 मोबाइल और
12,210 रुपए करीब नगद बरामद हुए। इनके द्वारा जब पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया, ये राजीव बैग और सुरेश सेठ ओंकारेश्वर इन दो लोगों के लिए ये सट्टा लेकर काम करते थे। इस तरह से कल कुल 15 लोगों को हमने सट्टा लिखने और सट्टा खेलने की उसमें कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए और इनके विरुद्ध 101 कार्रवाई की गई, जो आज हम SDM कार्यालय में पेश करेंगे।